इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह हू अकबर का नारा लगाइए, जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है। जैसे जैसे लोकसभा आएगा ना, देखिए कितना बाबा पैदा होगा। एक बाबा से तो उत्तर प्रदेश परेशान है पूरा, ये नया बाबा कहाँ से आ गया? धीरेन्द्र शास्त्री को जानता नहीं हूँ, और ये होते कौन है बोलने वाले? हमको क्या करना है नहीं करना है उनसे पूछ के हम करेंगे क्या? उनकी बात क्यों मानेंगे हम लोग? एक बाबा से तो उत्तर प्रदेश परेशान है पूरा, ये नया बाबा कहाँ से आ गया? हम तो खुद हमसे एक तो पत्रकार पूछ रहा था, हम तो जानते नहीं इस बाबा को कौन है बाबा ये, और अपना फतवा अपने पास रखे बाबा बता देते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान है ये, यहाँ सबका सम्मान करना पड़ेगा आपको, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना तो वो बोलना। बाबा को कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि बाबा आप अगर सही में बाबा हैं, अगर आप ढोंगी बाबा नहीं हैं सही में बाबा हैं, तो आपको कम से कम इस तरह से इस तरह हल्की बातों से बचना चाहिए आपको। आपको ये देना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान जो है हमारा सभी धर्मों का एक समूह है, ये यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती है, हजारों धर्म हैं यहाँ पर। अब किसी एक धर्म विशेष को आप टारगेट कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। अब तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा ना, देखिए कितना बाबा पैदा होगा। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह हू अकबर का नारा लगाइए। ठीक है, जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह हू अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। और किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं। ये बाबा बिहार में कर ली, झारखंड में बोल के दिखाया तो यार, जब मेरा आदिवासी लोग देखिएगा ना, दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जूझ रहे हैं, केंद्र सरकार मोदी जी ने जो वादा किया विकास देंगे, आपने नहीं दिया। बाबा को इस पर बोलना चाहिए, महंगाई चरम पर है, बताइए साहब, एकदम त्राहिमाम कर रहा है, पैसा नहीं कि गरीब को बांट पाए हम। गरीब के बदन में वस्त्र नहीं है, चप्पलें नहीं है, खाना का पेट में अनाज नहीं है, और भारत में रहना है तो ये बोलना होगा वो बोलना होगा। अरे आप कौन होते हैं ये हमको? देश के संविधान ने राइट दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में सभी व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है, आप संविधान से बाहर नहीं है बाबा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि बाबा को घर में रहने दीजिए, बाबा पाठ पूजा कराएं, इसमें आपकी विशेषता है, इसमें आपकी खूबियाँ हैं। और बेवजह बाबा को कहूँगा कि फेमस मत होइए, अच्छा काम कीजिए, लोग जा रहे हैं आपके, अगर आपके भाषण सुनने अगर लोग आ रहे हैं तो उनको बताइए, सही रास्ता बताइए, गलत सही क्या है बताइए, धर्म के पे चलने का रास्ता बताइए, जितना क्राइम हो रहा है उसको रोकने का रास्ता बताइए। तो कहाँ आप भारत में रहना है तो ये बोलना होगा वो बोलना है, तो बाबा की जागीर नहीं है भारत भाई। इसलिए मैं कंडम करता हूँ, और अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, समाज को तोड़ने नहीं देंगे।